हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल डीमन एक्स एंजल कांड गेटा लॉन्ग के एपिसोड नंबर 23 के साथ हाजिर हूँ। तो ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस, हमारा एपिसोड नंबर 23 की स्टार्टिंग होती है जिया से, जो किचन में खड़ा होता है और अपना खाना बना रहा होता है और गाना गा रहा होता है बढ़िया मस्त। तभी उसका जो कुछ बना रहा होता है वो रेडी हो जाता है और जो उसने बनाया होता है फ्रूट केक उसकी फ़ोटो खींचने लगता है। तभी वो उस केक को उठाकर टेबल की साइड जाने लगता है और चिल्लाते हुए बोलता है, हे बेवकूफ़ एंजल, क्या तुम्हें कि फ्रूट केक ट्राई करना है? बट इसे उस बात का जो क्वेश्चन पूछा था उस बात का कोई रिप्लाई नहीं मिलता। तो ये अपने मन में सोच रहा होता है, ये बेवकूफ़ एंजल अब तक वापस नहीं आई है क्या? तभी इसके दिमाग की घंटी बजती है अचानक से। तभी इसे याद आता है और मनी और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, अरे यार, आज तो सुपरमार्केट में प्रमोशन था और मैं उसे तो स्कूल से पिकअप करना ही भूल गया, कहीं ये फिर से हो तो नहीं गई होगी। मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, मैं कैसे भूल सकता हूँ? अगर ये फिर से माउंटेंस में खो गई तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है दौड़ने में। और अपना जो ड्रेस होता है वो पहन लेता है और उसे कॉल करने लगता है, लेकिन उसका कॉल नहीं लग रहा होता है और वो वहाँ से भागने लगता है उसे शनशान को ढूंढने के लिए। जैसे ही वो गेट खोलता है, दूसरी तरफ से शनशान आ रही होती है और उसका मुँह लटका हुआ होता है। दोनों आपस में टकरा जाते हैं। जिया शनशान की तरफ देखता है, शनशान गेट खोलती है, अंदर आती है। सेम टाइम पर दोनों एंटर मारते हैं एक गेट से, लेकिन शनशान अपना शूज उतारती है और आराम बिना कुछ बोले वहाँ से जाने लगती है। जिया सोचने लगता है, ये क्या हो गया, ये इतनी शांत क्यों है आज? और जिया पूरी तरीके से कंफ्यूज होता है, आखिर इसे हो क्या गया आज? और जिया सोचने लगता है, अगर अब इसके साथ ऐसा क्या हो गया जिससे ये इतनी उदास है? और उससे पूछता है, क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ है? नेक्स्ट सीन में हमें शनशान को दिखाया जाता है। शनशान अपना खाना खा रही होती है आराम से बैठ के, और सामने जिया बैठा होता है और वो उससे पूछता है, आखिर तुम्हें आज हुआ क्या, इतनी शांत क्यों? लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता, दोनों तरफ से सन्नाटा छाया होता है। बढ़िया अपना आराम से खाना खा रहे होते हैं, कोई जवाब नहीं, कोई बात नहीं। तभी जिया मन में सोचता है कि मैं उत्सुक हूँ जानने के लिए अगर इसके साथ आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे ये इतनी उदास है। तभी जिया अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर ये सब चल क्या रहा, आज तो जी बिना खोए वापस अपने घर पर आ गई बिना किसी प्रॉब्लम के, और खाने के टाइम पर भी बहुत ज़्यादा उदास दिख रही है, और इसके जो बाल वगैरह हैं वो भी लटके हुए हैं, ऐसे एकदम उदास सा चेहरा दिख रहा होता है। ऐसा तो इसके साथ पहले कभी भी नहीं हुआ है। मैं जानने के लिए उत्सुक हूँ, लेकिन अगर मैंने डायरेक्ट इससे पूछा तो ये गलत समझ लेगी, इसलिए इससे पूछना नहीं चाहिए मेरे को, लेकिन मुझे कोई ऐसा तरीका ढूंढना पड़ेगा जिससे इसकी प्रॉब्लम का मुझे पता चले आखिर इसके साथ हुआ गया है। लेकिन जब बात ह्यूमन बल की आती है तो मैं तुम्हारा सीनियर हूँ इस मामले में। तभी ऑप्शन टू भी सोचने लगता है कि अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ है तो मुझे जल्दी मुझे बता दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि तुम क्या बोलते हो। और जिया शनशान से बोलता, अगर ये तो अगर तुम एंजल नहीं हो, मैंने तुम्हें कुछ घंटों से नहीं देखा है, ऑप्शन थ्री। और मन में ही सोचने लगता है, अगर मैंने अपना मुंह खोलने की कोशिश की तो मैं शर्म के मारे ही मर जाऊँगा, इसलिए मुझे इससे नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि ये पहले पहल नहीं करना चाहता, मतलब पूछना नहीं चाहता, क्योंकि इसकी बेइज्जती हो जाएगी, ऐसा इसको लगता है। तभी बोलने लगता है, मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ, समय के साथ और भी ज़्यादा होता जा रहा हूँ। तभी जिया शनशाइन के फेस की तरफ देखते हुए शनशाइन से पूछता, आखिर तुम्हारे इस चेहरे को हुआ क्या है, इतना अटका क्यों है? मुझे तो ऐसा लगता है तुम कहीं पे फिसल गई और तुम्हारी चोट लग गई, कहीं तुम कहीं गिर तो नहीं गई हो? और हंसने लगता, लेकिन सोच रहा होता है आखिर इसका इसके साथ हुआ क्या है, मतलब पूछने की कोशिश करता है, इसने पूछा हंसते हुए मजाक में ताकि बुरा नहीं लगे उसे। तभी उससे बोलता है, आखिरकार ये तुम हो, ऐसा हो भी सकता है कि तुम कहीं गिर गई हो? और इतना बोलने के बाद हंसने लगता है ताकि वो इस पर कोई शक ना करे, मतलब गुस्सा गुस्सा ना करे, ताकि मजाक के वे में ले जाता है इस बात को। लेकिन ये बहुत ज़्यादा मतलब शौक होता है कि कोई जवाब नहीं आया इतनी जल्दी, हंसते हंसते रुक जाता है पर इतना ज़्यादा नर्वस हो जाता है कि जल्दी जल्दी खाने लगता है, लेकिन ऐसे कोई जवाब नहीं मिलता। इस कारण जिया शनशान पर एकदम से ज़ोर से चिल्लाते हुए बोलता है, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? मैंने पूछा उसका जवाब तो दो, क्या तुम मेरा मजाक बनाने की कोशिश कर रही हो? मैं खुद से बातें किया जा रहा हूँ। जिया के चिल्लाने के बाद शनशान होश में आती है। शनशान जिया से बोलती है, मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें सुना नहीं, आखिर तुम क्या कह रहे थे? जिया शनशान को घूर घूर के देख रहा था। तभी शनशान जिया से बोल दिया, आखिर तुम मुझे क्यों घूर रहे हो, मुझे डर लग रहा है, तो ऐसे तरीके से मुझे मत घूरो, तुम मुझे डरा रहे हो। तभी जिया शनशान से बोलता, तुम्हें परमिशन किसने दी कि तुम मुझे इग्नोर करो? और जिया शनशान से बोलता, खैर छोड़ो, अब तुम बताओ तुम्हारी परेशानी क्या है, तुम्हारे साथ आखिर हुआ क्या है? जिया तो एकदम गुस्से में पूछ रहा होता है। तभी शनशान प्यारी से पर्स निकाल के उससे बोलती है, टमाटर बोलती है, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, तुम मेरे काम में तंग न उड़ाओ। तभी जिया ये सुनने के बाद थोड़ा सोचने लगता है और मन में बोलता है, अगर इस लड़की की प्रॉब्लम क्या है,
जब से ये नर्स ऑफिस से वापस आई है तब से कुछ अजीब से व्यवहार कर रही है। इसके साथ जरूर कुछ ना कुछ हुआ है जब ये चेंजिंग रूम में थी। तब जिया शनशान से बोलता है, चलो मुझे गैस करने दो। तभी जिया शनशान से बोलता है, मुझे लगता है तुम्हारे और उस बोल्ड गाय के बीच में तो कुछ ना कुछ तो हुआ है चेंजिंग रूम में। तो बोल्ड गाय से मतलब है लिन का, वही बास्केटबॉल प्रेसिडेंट। और ये इतना यही सुनती है तो शनशान एकदम शॉक हो जाती है, तो उसके फेस से पता चलता है। फिर जिया शनशान से बोलता है, जैसा कि मैंने सोचा था तुम्हारा चेहरा देख कर ही मैं मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल सही हूँ। और जिया शनशान से बोलता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था तुम उस लड़के से दूर रहो जो ये तुम्हारे लिए ठीक रहेगा, और वो मैं नहीं था जिसने तुम्हारे साथ ये सब किया है। तो चलो अब मुझे बताओ अगर तुम्हारे साथ हुआ क्या है। तभी हमें शनशान को दिखाया जाता है, शनशान एकदम से शर्मानी होते हैं क्योंकि उसने पूछा होता है कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है। उसको पता चल जाता है कि उसके साथ कुछ ना कुछ उसी कारण हुआ है, और शनशान उसे बता लगती है कि जो भी उसके साथ हुआ है, जो भी मतलब ऑफिस में हुआ था चेंजिंग रूम में, वो सारा सीन उसे बता देती है कि ये हुआ था। उसने फोटो वगैरह ले ली, और जैसे ये सुनता है तो जिया जो है बहुत जोर से हंसने लगता है और बोलता है, सच में तुम उसके द्वारा पकड़ी गई, और वो प्रेसिडेंट क्राइम स्कैन पर था, मतलब क्राइम की जगह पर था, और तुम पकड़ी गई। और बहुत ज़्यादा हंसने लगता है और उससे बोलता है कि तुम वाकई में इस मामले में बहुत ज़्यादा प्रवोक होने के मुकाबले में, मैंने तुमसे कुछ ज़्यादा की उम्मीद भी नहीं की थी, मतलब कम की उम्मीद भी नहीं की थी, यही लगा था कि तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ तो होगा। जब शनशान जिया को स्टोरी बताती है तभी मतलब हंसने लगता है और वो बोलता है प्रेसिडेंट है। तो शनशान जिया से पूछती है, आखिर तुम्हें कैसे पता कि वो प्रेसिडेंट था, और ये तुम्हें कैसे पता चला कि प्रेसिडेंट ही फिल्म जो शूट करता है वीडियोस वगैरह उसके पीछे प्रेसिडेंट ही था। और तभी जिया एक्शन में बोलता है कि तुम्हें पता है ना मैं एक डीमन हूँ, और मेरे पास ऐसी पावर्स हैं कि मैं नाक से सूंघ के ही बता सकता हूँ कि सामने वाला का व्यवहार कैसा है। उसको देखने के बाद ही मुझे पता चल जाता है कि ये सब इसे ही कर रहा है। इस मामले में डीमन बहुत ज़्यादा बेस्ट होते हैं। ये सब सुनने के बाद शनशान जिया से पूछती है, अगर तुम्हें ये सब पहले से ही पता था तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। और तभी जिया शनशान से बोलता है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैं कोई पुलिस मैन नहीं हूँ जो मैं दूसरों के मामलों में तंग आऊँ, और इन सब चीज़ों में भला मैं अपना समय क्यों बर्बाद करूँ। और वैसे देखा जाए तो ये सब इंसानों के बीच में है तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, और मुझे उनके कामों में तंग आने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। और तभी जिया हंसते हुए शनशान से बोलता है, तुम तो एक इंसान से बुली होके आ गए, तुम तो एक नंबर के यूजलेस हो। तभी जिया शनशान को एक्सप्लेन करने लगता है और उससे पूछता है, मुझे ऐसे लगता है कि तुम्हारे दोस्त की फ़ोटो लेकर उसने तुम्हें धमकाया होगा, मैं सही कह रहा हूँ ना? ये तो एकदम पुरानी ट्रिक है, पुरानी बुक की ट्रिक है, मुझे इसकी तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ये ट्रिक तुम्हारे ऊपर काम करेगी। खैर ये सब छोड़ो, अब वो तो कुछ नहीं कर सकता, उसके पास ज़्यादा दो होंगे, खैर अब इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये दूसरों के सामने अपने आप को अच्छा बना के रखता है, इसी कारण कोई भी इस पर शक नहीं करता। तभी शनशान जी ऐसे बोलती है, आप क्या कोई ऐसा तरीका आया कि उसे रोका जा सके? तभी जी शनशान से बोलता है, मुझे नहीं पता और मुझे इन सबसे कोई मतलब भी नहीं है। शनशान ये सुनने के बाद एकदम थोड़ी शॉक हो जाती है, और तभी जिया शनशान से बोलता है, बेटर होगा कि तुम भी इस मामले में ना ज़्यादा टांग अड़ाओ। और जिया शनशान को एडवाइस देता है कि ऐसा दिमाग में भी मत सोचना कि तुम उसे एक्सपोज करने की मत सोचना, ताकि तुम सबको बता दो, ऐसा कुछ भी मत ट्राई करना नहीं तो ठीक नहीं होगा। और जिया शनशान के पास जाते हुए उसे बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें जो देखा था, जो एविडेंस तुम जिस एविडेंस की बात कर रही हो, वो ऐसा काम करने के बाद कोई एविडेंस पीछे छोड़ेगा? तुम्हें इसकी उम्मीद है? वो बस एक लक था जिसके कारण तुमने उसे पकड़ लिया, और वो बस एक कोइंसिडेंस था, उसे भूल जाओ। और अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं वो सब चीज़ों को वो रिकॉर्ड करता, उसको प्रूफ बनाता ताकि सब लोग उस पर बिलीव करते हैं। तुम्हें लगता है तुम्हारी बात को कोई विश्वास कर लेगा? और उस प्रेजिडेंट की जगह पर मैं होता तो वो तुमसे बोलता कि तुमने मुझे अपना मतलब तुमने मुझे प्रपोज किया था और मैंने तुमसे मना कर दिया, इसलिए तुम अपना बदला लेने के लिए ये सब कर रही हो। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी बातों पे कौन विश्वास करेगा? तुम उसे एक्सपोज करने कर रही हो, सच बोल रही हो, झूठ बोल रही हो, लोग किसकी बात सुनोगे? न्यू एक्सचेंज स्टूडेंट की, या फिर जो पॉपुलर है प्रेसिडेंट है बास्केटबॉल क्लब का उसकी? और ये सब करने के बाद तुम्हारे बारे में अफवाहें फैल जाएंगी बेकार बेकार। वो अफवाहें फैलाएगा, बिल्कुल आग की तरह अफवाह फैलाएगा कि तुमने ये सब किया, और तुम्हारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी स्कूल में पूरी तरीके से, और आखिर में तुम्हारा सब कुछ तबाह हो जाएगा, और जनरल लोगों के सामने तुम्हारी बैड इमेज बन जाएगी कि तुम एक विलन हो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और ये सब होने के बाद अपनी केयर फ्री स्कूल लाइफ को बाय बाय कह देना। और जब तुमने उसे पकड़ा था तो वहाँ पर प्रूफ करने के काफ़ी ताज़ा तरीके थे, और तुम्हें वहाँ पर पुख्ता सबूत
ढूंढना पड़ेगा एक्सपोज करने के लिए। तो मैं वहाँ पर सीक्रेटली उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करनी चाहिए थी या फिर टीचर्स को बुलाकर उसके बारे में सबको बताना चाहिए था, दिखाना चाहिए था। और सबसे अच्छा तरीका था कि तुम उन्हें सभी को नॉक कर दो, मतलब पीट के भेज कर दो, और टीचर टीचर के पास जाके बोलो ये मैंने सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए किया है। और अगर तुम ये सब करते तो शायद हो सकता है कि तुम्हारी बात के सब लोग विश्वास भी कर लेते, लेकिन तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया और तुम उसके जाल में फंस गई और उसने तुम्हें पूरी तरीके से फंसा लिया। ये सुनने के बाद शंशा एकदम शौक हो जाती है और सोचने लगती है आखिर ये सब क्या हो गया। जिया शंशा से बोलता है पीछे से, अब तुम्हारे पास जीतने का कोई चांस नहीं है। अगर तुम टेबल को वैसे छोड़ देती हो कार्ड्स को बिना टच किए, और कहता है खैर छोड़ो आखिरकार मुझे शांति, लेकिन कुछ भी हो ये स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है जो भी तुमने मुझे अभी बताई। और शंशा जिया से पूछते हैं यहाँ पर कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे मैं बच सकूँ इन सब चीज़ों से, उससे हेल्प मांगती है प्लीज़ मेरी मदद कर दो इन सब चीज़ों से निकलने के लिए। तभी जिया शंशा से बोलता है क्या तुम भूल गई हो कि हमने मिलके दोनों ने क्या प्रॉमिस किया था कि हम दोनों एक दूसरे की लाइफ में टांग नहीं अड़ाएंगे, जो करना है खुद से करना है, और ये तुम्हारी बुरी आदतों में से एक आदत है, तुम कभी भी चेक नहीं करती हो कि तुम्हें क्या चाहिए तुम्हारी पावर से, और हमेशा तुम आखिर तक इंतजार करती हो और तब तक करने लगती हो जब तक सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होने लगती किसी भी मामले में। और जिया शंशा से बोलता है अगर तुम श्योर नहीं है कि तुम इस काम को नहीं कर सकती हो तो तुम्हें वो काम नहीं करना चाहिए और उस काम को हमेशा इग्नोर कर देना चाहिए, तुम तो सिर्फ एक बच्चों जैसी हरकतें करती हो और कुछ नहीं, और इस बर्फ़ को पकड़ो और अपने गालों पर लगा लो, इससे तुम्हें अच्छा लगेगा। क्या तुम अपना बेकार सा चेहरा बनाना बंद नहीं कर सकती हो और अपने आप को ऐसा दिखाना बंद करो जैसे कि तुम वर्जिन मैरी लाइफ हो, और अपनी लाइफ को एंजॉय करो जो लाइफ तुम अभी जी रही हो। ये सब सुनने के बाद सनशाइन अपने कपड़े में जाकर आराम से लेट जाती है और सोचने लगती है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, ये सब तो हो चुका है, लेकिन अब मैं इस सिचुएशन से निकलने के लिए किसकी हेल्प मांगूँ, किससे हेल्प मांगूँ, और अब मुझे क्या करना चाहिए। तो गाइस यहीं पर हमारा एपिसोड नंबर 23 खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अच्छा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।